हेलो फ्रेंड, अभी रेलवे ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, न्यू अपडेट अभी जस्ट अपडेट दी है, आज ही न्यू अपडेट दी है। अभी रेलवे ने दिया बहुत बड़ा अपडेट, यानी रेलवे ने अभी रिप्लेसमेंट पैनल वेटिंग लिस्ट क्लियर की है। दोस्तों काफ़ी जिस बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर करने वाला बोर्ड है, उसी बोर्ड से अभी एक धमाकेदार वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। एक के बाद एक वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रहा है, बैटिंग वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गई है दोस्तों, बड़ा धमाका सबकी हुई, बल्ले बल्ले करने वाला बोर्ड, धमाकेदार बेटिंग लिस्ट। नोटिस लेटर जारी हो चुका है, नोटिस नंबर भी जारी हो चुका है, कट ऑफ मार्क्स भी काफ़ी कम हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम हो चुके हैं। आरआरबी न्यू बेटिंग लिस्ट धमाका 2022 से संबंधित है। तो दोस्तों 2022 में न्यू एक के बाद एक बेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है। एएलपी एंड टेक्नीशियन भर्ती संबंधित परीक्षा से संबंधित है, जिसका सीएन नंबर आपके 1/2018 रखा गया था, जो कि आज से 3-4 साल पहले की भर्ती है। उसके में आज एक नया धमाकेदार बेटिंग लिस्ट हुई है, बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों सभी की। तो इसी के साथ दोस्तों ये अपडेट, ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं अपडेट के साथ ले चलता हूँ। अभी जस्ट आज ही ये 20 मिनट पहले ही आपके साथ अपडेट हुआ है, अभी एक घंटा या 20 मिनट पहले का ही ये अपडेट है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा अपडेट है नया, देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये आपके सामने ऑफिशियल लेटर खुल के आ गया, मेरे प्यारे साथियों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मुंबई सेंट्रल से दोस्तों काफ़ी बार वेटिंग लिस्ट एक के बाद एक वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। ये फाइनली सप्लीमेंट्री एडिशनल रिजल्ट टेक्नीशियन कैटेगरी से संबंधित है, यानी आपको ये फाइनली सप्लीमेंट्री टेक्निकल एडिशनल जारी कर दिया गया है। सीएन नंबर 1/2018, डेट ऑफ इशू मैंने बोला था ना अभी दोस्तों एक घंटे पहले का अपडेट है दोस्तों। तो मैंने बोला था आपको डेट ऑफ इशू 4/8/2022, यानी आज का ही न्यू अपडेट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप धमाकेदार कर दो, एकदम सब भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए वीडियो, एक के बाद एक शेयर कर दो वीडियो को, लाइक धमाकेदार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों देखते हैं आपके सामने कैटेगरी नंबर, काफ़ी धमाकेदार है ये वेटिंग लिस्ट। कैटेगरी नंबर 50 से आपके टोटल 6 कैंडिडेटों को पास किया गया है। उसी के साथ आपके कैटेगरी नंबर 51 से देख लेते हैं, एक कैंडिडेट लिया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कैटेगरी नंबर 51 से भी आपके एक कैंडिडेट लिया गया है। कैटेगरी नंबर 51 से सेंट्रल रेलवे से एक कैंडिडेट है और वेस्टर्न रेलवे से एक कैंडिडेट है। उसी के बाद आप बात करते हैं तो आपके कैटेगरी नंबर 52 से दोस्तों टोटल 14 कैंडिडेटों को लिया गया, वो सेंट्रल रेलवे से लिया गया है। उसी के बाद आप वेस्टर्न रेलवे से भी लिया गया है कैटेगरी नंबर 52 से 19 कैंडिडेटों को। तो दोस्तों इसमें दो रेलवे को देता है, एक सेंट्रल रेलवे को देता है ये बोर्ड और एक वेस्टर्न रेलवे को। तो दोस्तों वेस्टर्न रेलवे में 19 कैंडिडेट दिए, वहीं आपके सेंट्रल रेलवे में 14 कैंडिडेट दिए हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ इसमें टोटली आपको 41 कैंडिडेटों का रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया है टेक्नीशियन से संबंधित है। 41 कैंडिडेट कितने दोस्तों, 41 कैंडिडेट देखने को मिलेगा आपको रिप्लेसमेंट पैनल में। और दोस्तों इसमें और एक तीन कैंडिडेट यहाँ पे भी हैं दोस्तों, तो इसे टोटल इस प्रकार से 44 कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट क्लियर किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपके सामने देखा दिया है, और इसमें वेटिंग लिस्ट में काफ़ी मेरिट लिस्ट भी काफ़ी कम हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया था कैटेगरी नंबर, इसमें कैटेगरी वाइज और रेलवे वाइज इसमें आपको कट ऑफ मार्क दी गई है सभी की, SC ST UR जनरल की है, SC की है, ST की है, OBC की है। तो दोस्तों इसमें आपकी कट ऑफ मार्क्स भी काफ़ी कम हो गई है, सबसे कम कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी नंबर 53 से WR वेस्टर्न रेलवे में 45 पॉइंट कुछ रही है, वो भी SC कैंडिडेट की रही है। आपकी ST कैंडिडेट से भी कम आपकी SC की कट ऑफ मार्क देखने को मिलेगी दोस्तों, मैं आपको इसमें प्रूफ करके बता सकता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो ST की 50 रही है वहाँ, हर कैटेगरी में आपकी SC की कम रही है। तो दोस्तों SC की काफ़ी कम परसेंटेज गई है, सबसे कम परसेंटेज गई है आपकी SC में, SC बोर्ड और RRB मुंबई से SC कैटेगरी की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लेकर।